मैम और बीच सड़क पे। हेलो मैम। हेलो। लॉकडाउन ही हो गया है। अरे दादा, ए दादा, हेलो। अरे यार, नहीं नहीं अभी बात तो गया। लाइट इसीलिए लगाया मैम आपके लिए। ओके मैम, गुड टू सी यू। इट्स रियली हार्ड टू स्पॉट यू समवेयर एंड नाउ यू हैव केम बिग बॉस हाउस। सो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हूँ बिकॉज डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम हियर इन बिग बॉस और शो को डेफिनेटली बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ और सारी फ्रेंड्स जाती है और हर साल नाम आता है, लेकिन आज सोचा एक एपिसोड के लिए सही आके एक यू नो ऊपर नीचे एक डेब्यू किया जाए। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी कि अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। और या ओके सो मैम, आप कहीं भी जाते हो, वेर एवर यू गो यू ब्रिंग अप द शाइन, नाउ ऑल्सो यू आर ब्रिंगिंग अप द शाइन इन द बिग बॉस हाउस। सो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो सलमान सर के साथ काम करने में? आई एम मोर एक्साइटेड एक्चुअली टू डू दिस डे टू डे विद सलमान सर। और आई मीन स्टेज पे खड़े होके वन स्टेज शेयर करना, उनके साथ यू नो डिस्कस करना और फिर डिबेट वगैरह कुछ है, तो एंड आई जस्ट होप कि मैं इतनी नर्वस ना हो जाऊँ कि मैं डिबेट करना भूल जाऊँ। पर मैं ज़रूर करूँगी, जो काम करने आई हूँ, अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने आई हूँ, मैं ज़रूर करूँगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सलमान। ओके सो आप किसको सपोर्ट करने आप बोल रहे हो? फ्रेंड को सपोर्ट? रश्मि को सपोर्ट करने आई हूँ और प्रतीक मेरा फ्रेंड नहीं है, इनफैक्ट मैं बिग बॉस से पहले उसको जानती भी नहीं थी, पर मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसका गेम बहुत अच्छा लगा। ओके सो तेजस्वी और करण की मैं बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये दोनों जोड़ी रही है एंटायर बिग बॉस जर्नी में, सो आपको कैसी लगी ये जोड़ी? तेज रन की बात करूँगी, एज अ कपल दे आर वेरी क्यूट, बट आई थिंक बिग बॉस हाउस में कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप बाहर आता है, यहाँ पे थोड़ा मतलब प्यार बहुत सारा टकरार, तो आई थिंक ये सारे डिफरेंसेस वो लोग बाहर आके अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और ये मतलब लोगों के सामने इतना ना ही होता तो अच्छा होता। बिकॉज मुझे एज अ गर्ल मुझे अच्छा नहीं लगता जब करण गुस्सा करता है तेजस्वी के ऊपर एंड शी इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू प्रूव हरसेल्फ। तो या ओके सो मैं टॉप थ्री में आप किसको देखते हो? मैं टॉप टू में बहुत सारे लोग हैं, टॉप वन में अभी तक मैंने कभी अभी सोचा नहीं है। आई थिंक इस बिग बॉस में स्पेशली हर एक दिन गेम बदल रहा है और इट इज़ नथिंग दैट और आई मीन यू नो हर साल ऐसा होता है कि एक बंदा स्टैंड आउट होता है फ्रॉम डे वन, आप एकदम से बता सकते हो कि ये तो जीतेगा ही। तो इस साल आई डोंट थिंक कि आप मतलब गारंटी के साथ बोल सकते हो कि ये जीतेगा, इनफैक्ट जो भी जीतेगा कोई कुछ बोल भी नहीं सकता सीरियसली इसको, मतलब गलत हुआ हर बार, अगर कभी कभी होता है ना ये गलत हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, पर आई डोंट थिंक इस बार कोई आवाज़ उठा सकता बिकॉज एवरीबडी इज़ प्लेइंग इन द सेम लेवल। ओके सो आपका पर्सनल फेवरेट कौन है और कौन जीतना चाहिए? मेरे तो प्रतीक बहुत अच्छा खेल रहा है, वो जीत सकता है, खेल तो ठीक ठाक ही, सब लोग एक ही जगह पर खेल रहे हैं तो मतलब जो जिस हिसाब से चर्चा हो रहे बाहर तो उस हिसाब से उम्र का भी काफ़ी चर्चा है, तो यू नेवर नो, सो लेट्स जस्ट होप द बेस्ट पर्सन विंस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। फोटो मैं जब वहाँ जाऊँगी ना, अब थोड़ी देर रुक जाओ, आएगी आएगी मैम आएगी।